आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिंह। चारा घोटाला में लालू प्रसाद ने एजी के खिलाफ दिया आवेदन, निष्पादन के बाद ही आएगा फैसला। पलामू में सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 लाख का इनामी माओवादी समेत 4 नक्सली गिरफ्तार। धनबाद में फीस के लिए परीक्षा से रोकने पर 14 साल के छात्र ने की खुदकुशी। झारखंड में मौसम ने बदला मिजाज, बंगाल की खाड़ी में एंटी साइक्लोन का हुआ असर। सिलेबस से बाहर के सवाल पूछे जाने पर अनोखा विरोध, 20,000 परीक्षार्थियों ने जमा कर दी खाली कॉपी। अब खबर विस्तार से। चारा घोटाला के चौथे मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर आने वाला फैसला शुक्रवार तक के लिए टल गया है। दरअसल लालू प्रसाद की ओर से सीबीआई कोर्ट में आवेदन देकर इस केस में बिहार के तत्कालीन एजी को आरोपी बनाने की मांग की गई है। उनके आवेदन पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अपना पक्ष रखा। शुक्रवार को फिर से इस पर सुनवाई होगी। इस याचिका पर फैसला आने के बाद ही दुमका केस में फैसला सुनाया जाएगा। दुमका में पशुपालक पदाधिकारियों, प्रशासनिक अफसरों और राजनेता की मिलीभगत से आपूर्तिकर्ताओं ने 96 फर्जी वाउचर के जरिए दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच कोषागार से 3,76,00,000 की अवैध निकासी की थी। यह निकासी जिले के गांवों और कस्बों में पशुओं की खाद सामग्री, दवा तथा कृषि उपकरणों के वितरण के नाम पर की गई थी, जबकि उस दौरान धन आवंटन की अधिकतम सीमा मात्र 1,50,000 थी। इस मामले में करीब 22 वर्षों तक सीबीआई की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान सीबीआई ने 49 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर करीब 200 गवाहों को पेश किया। ट्रायल के दौरान 14 अपराधियों की मौत हो गई। इस केस में संयुक्त बिहार के 2 पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र सहित कुल 31 आरोपी हैं। पलामू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। दरअसल पलामू पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान के दौरान 5 लाख रुपए का इनामी माओवादी दीपक समेत 4 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। यह गिरफ्तारी छतरपुर थाना क्षेत्र के खरगड़पुर जंगल से हुई है। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों के पास से 2 इंसास राइफल, 2 रेगुलर राइफल और 454 जिंदा कारतूस और 4 मैगजीन समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस छापेमारी के दौरान नक्सलियों के पास से लेवी के 50,000 नकद रुपए भी बरामद किए हैं। दरअसल सर्च ऑपरेशन के दौरान मुखबिर से गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सीआरपीएफ 134 बटालियन की टीम और जिला पुलिस बल ने खरगड़पुर जंगल में छापामारी अभियान चलाया। वहीं इस ऑपरेशन को चलाते हुए पुलिस ने नक्सलियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। धनबाद में 14 साल के एक छात्र ने इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि स्कूल ने उसे फीस नहीं जमा होने पर फाइनल परीक्षा में बैठने नहीं दिया। मामला शहर के भूली नगर स्थित राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर का है। 9वीं के छात्र सत्यम कुमार ने पानी टंकी से लटक कर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि फीस नहीं देने के चलते स्कूल ने उसे फाइनल परीक्षा देने से रोक दिया था। सत्यम को काफी प्रताड़ित भी किया गया, इस कारण उसने आत्महत्या कर ली। सत्यम के सपाटियों के मुताबिक स्कूल प्रबंधक ने उससे 200 रुपए अतिरिक्त फीस की मांग की थी, लेकिन परिवार वालों ने यह कहकर देने से मना कर दिया कि सभी तरह की फीस पहले जमा करा चुके हैं। इसी को लेकर सत्यम परेशान था। स्कूल से घर लौटते वक्त सत्यम ने फंदे से झूलकर जान दे दी। हालांकि स्कूल प्रबंधन इस मामले पर ज्यादा कुछ कहने से बच रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बंगाल की खाड़ी में एंटी साइक्लोन के कारण झारखंड के मौसम में भी खासा बदलाव आया है। मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग की माने तो इसका असर 2 दिनों तक रहेगा। जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एंटी साइक्लोन का असर बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी रहेगा। वहीं छिटपुट बारिश होने की भी आसार है।
इसे बदलते मौसम ने बीमारियों को भी आमंत्रित किया है। लगातार मौसम में परिवर्तन से कई तरह के रोग बच्चों पर हावी हो रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश रंजन ने बताया कि मौसम में परिवर्तन होने से ज्यादातर बच्चे इससे प्रभावित हैं। बच्चों में वायरल फीवर, सर्दी, खांसी आदि बीमारियां हो रही हैं। इससे बचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पानी उबाल कर बच्चों को पिलाएं, धूप एवं ठंड से बच्चों को बचाएं। रांची यूनिवर्सिटी और विवादों का पुराना नाता रहा है। कभी छात्रों का विरोध प्रदर्शन, कभी परीक्षा के सेशन को लेकर किचकिच, तो कभी परीक्षा के प्रश्न पत्र में सवाल का ही गलत होना। इस बार मामला अंग्रेजी कम्युनिकेशन की परीक्षा में सिलेबस से बाहर के प्रश्न पूछे जाने का है, जिसको लेकर परीक्षार्थियों ने अपने ही अंदाज में विरोध भी दर्ज कराया है। परीक्षार्थियों ने जब अपना विरोध जताया तो वीक्षकों ने उन्हें समझाते हुए परीक्षा देने को कहा। हालांकि गुस्साए परीक्षार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार तो नहीं किया, लेकिन परीक्षा ले रहे वीक्षक के पास विरोध स्वरूप खाली कॉपी जमा कर दी। छात्रों की माने तो पढ़ाई अंग्रेजी कम्युनिकेशन की हुई, पर प्रश्न लिटरेचर से पूछे गए। वीक्षकों के समझाने पर छात्रों ने परीक्षा का वॉकआउट नहीं किया। वीक्षकों ने कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए बताया कि वॉकआउट पर फिर से परीक्षा आयोजित होने की संभावना समाप्त हो जाएगी, लिहाजा परीक्षार्थियों ने अटेंडेंस बनाया। इसमें रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा केंद्र में परीक्षा दे रहे 20,000 परीक्षार्थी शामिल हैं। अब तक की प्रमुख खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और इंतजार करिए आजाद सिपाही खबर विशेष का राकेश सिंह के साथ। धन्यवाद।